अच्छा ना, आज हमें पढ़ना है उर्दू की ग्रामर में लफ्ज की इकसाम। क्या पढ़ना है? लफ्ज की इकसाम पढ़नी है। वो कितनी होती है और वो क्या क्या है और वो हमारी डेली लाइफ में उनका क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लफ्ज की इकसाम कितनी है? दो। लफ्ज की कितनी इकसाम है? दो। एक होती है, एक को कहते हैं कलमा, दूसरी को कहते हैं मोहम्मद। कलमा वो नहीं जो भारत वाला कलमा, ठीक है, कलमा लफ्ज की इकसाम कलमा और दूसरी क्या है? मोहम्मद। अब कलमा किसे कहते हैं? पहले हमने पढ़ना है कि कलमा किसे कहते हैं। अच्छा, कलमा हम जो ये लफ्ज बोल रहे होते हैं ना उर्दू में, ये सारे अल्फाज होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? अल्फाज होते हैं। ठीक है, लफ्ज मिलकर क्या बनाते हैं? अल्फाज बनाते हैं, और अल्फाज से आगे क्या बनते हैं? मायने बनते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबी लगती है। ठीक है, तो एक सेंटेंस बनता है, एक फिक्र मुकम्मल बनता है। ठीक है, तो कलमा क्या होता है कि कलमा ये होता है कि वो ना कुछ मानी देता है, कुछ अल्फाज के मानी देता है कि जिनका हमें पता होता है, हमें पता होता है। ये पॉइंटर है ना, ये क्या है? पॉइंटर है, हमें पता है ना ये पॉइंटर है, तो ये कलमा है। मतलब पॉइंटर क्या है? एक कलमा है, पॉइंटर है ना, इसका हमें पता है कि ये कलमा है। अब श्वाइंटर हमने देखे नहीं, पॉइंटर श्वाइंटर, पॉइंटर श्वाइंटर का भी देखना, उसका पता ही नहीं, उसकी कोई मान ही नहीं है, वो हमारे पास मोहम्मद होता है। कलमा क्या होता है? जो हमें मान ही देता है, कुछ मान ही देता है जिनका हमें पता होता है। और मोहम्मद क्या है? कोई मान ही देता, उसका पता ही नहीं होता। ठीक है ना, जैसे हमने पढ़ा पॉइंटर कलमा और श्वाइंटर, पॉइंटर श्वाइंटर। अब श्वाइंटर अपनी तरफ से लगा लिया, रोटी छोटी, आज वो रोटी छोटी खा रही है, आज वो। अब रोटी तो भाई खानी है, रोटी की है तो छोटी की है। ठीक है, तो ठीक है ना, मेरा उत्तर रोटी क्या है? एक कलमा है, वो हमें मानी देता है। और छोटी क्या है? कोई बात नहीं, ऐम यहाँ पर टांग रहे। ठीक है, कलमा क्या है कि ऐसे अल्फाज जिनके कुछ मानी हो, ऐसे अल्फाज जिनके कुछ मानी हो, जिनकी हमें समझ आता है, वो कलमा कहते हैं। आगे मोहम्मद किसे कहते हैं? मोहम्मद। ऐसे अल्फाज जिनके कोई मानी ना हो, जिनके कोई मानी नहीं है, वो क्या है? मोहम्मद कहते हैं। बेहतरीन मिसाल पॉइंटर। एक और मिसाल देती मेरे उत्तर, रोटी छोटी। दो मिसाल और करते हैं इस उसकी उस है अलिफ पाटा। ठीक है, उसकी जेब शेब में कुछ नहीं था। अब जेब का हमें पता है ये जेब है, हर बंदे को पता है, लेकिन इधर होती है, इधर होती है, ये जेब का तो हमें पता है। अब शेब क्या है? ठीक है, तो जेब हमारा क्या है? कलमा है। और शेब हमारा क्या है? मोहम्मद। अब चल गया कि जो मानी दे रही चीज वो हमारी कलमा होती है, और जो मानी नहीं दे रही वो हमारे पास मोहम्मद। दूसरी आ रही, तुम किताब शताब पढ़ो। तुम किताब पढ़ो, किताब तो पढ़ लेंगे, अब शताब क्या है? तुम किताब शताब पढ़ो। किताब हमारे पास क्या है? कलमा। शाबाश। वो शताब क्या है? मोहम्मद। ठीक है, किताब हमारे पास क्या है? कलमा। और शताब क्या है हमारे पास? अब चल कि कलमा क्या होता है? कुछ मानी देता होता है। और मोहम्मद क्या होता है? जो मानी नहीं देता। अब चल गया, लफ्ज की कितनी इकसाम पढ़ी है? दो। कौन सी? मोहम्मद। कलमे में हम वो पढ़ते हैं कि कलमा वो होता है जो हमें कोई ना कोई चीज देता है, कोई मानी देता है। ठीक है, और मोहम्मद वो अल्फाज होते हैं, वो लफ्ज होते हैं जो हमें कोई मानी नहीं देते, जो अपनी तरफ से होते हैं, अनगढ़ होते हैं। ठीक है, बस।